गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है डे 3 इन दुबई एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 5। एंड मैंने और सुकृति ने प्लान किया कि हम होके आएंगे बुर्ज खलीफा टू सी द सनराइज। हमें नहीं पता सनराइज दिखेगा या नहीं, बिकॉज इट्स बिन क्लाउडी एंड रेनिंग एवर सिंस वी हैव कम, बट हमने कहा अब कर ही लेते हैं। एंड अनन्या और प्राप्ति की हिम्मत नहीं थी, हम भी इसे एक एक दो दो घंटे की नींद भी फंक्शन कर रहे हैं, टूटे पड़े बट अब ये तो करना है। ऑनेस्टली दिस बुर्ज खलीफा थिंग इज वेरी टूरिस्टी, बट ना मेरे को घर से बहुत डांट पड़ रही है भाई, इतना प्रेशर है कि इंजॉय करो ये वो, बिकॉज माई फैमिली इज लाइक तुम पहली बार गए हो, ये है वो है, कुछ करो तो सही, कुछ जगह तो देखो, कुछ हम बोले तो सही किसी को, दे बेसिकली वॉन्ट मी टू एक्सपीरियंस इट एंड एवरीथिंग। सो या आई थिंक मोर देन मैं अपने लिए, मैं उनके लिए मैंने जबरदस्ती ये डांट खा के जैसे भी मतलब प्लान बनाया है। एंड सुकृति वॉज काइंड इनफ टू टेक मी, ऑल्दो वो एक बार पहले जा चुकी है एंड नोबडी एल्स वॉज फीलिंग लाइक गोइंग। तो या इट्स अस टुडे। मैं सुकृति में बता रहा था व्लॉग में अबाउट द प्रेशर आई एम गेटिंग फ्रॉम फैमिली टू एंजॉय, एंड दैट्स जस्ट डांटे पड़ रही है कि तुम टूरिस्टी जगह पे क्यों नहीं जा रहे, एग्जैक्टली शॉपिंग क्यों कर रहे हो और तुम ये सब क्या कर रहे हो। मतलब शॉपिंग वो माय ब्रदर से खरीद ले, पर ये थोड़ी कि सिर्फ वहाँ सामान खरीदने गए हो, कोई घूमने नहीं जा रहे, कोई वो मेरे को डांट रहा है कि तू कोई वो स्टोरियां नहीं डाल रहा कि दुबई दुबई ऐसे जगह टैग नहीं कर रहा, हबीबी कम टू दुबई, दिस इज फॉर यू आशीष। मर मिट जाए क्या हो गया। सुकृति आओ तुम्हारी तस्वीर ले लूं यहाँ पे। फाइनली हम आ ही गए। Finally, it's what's the time? It's 5:30 and we are here at Burj Khalifa, और हम ऊपर जा रहे हैं to see the sunrise. Let's see if there's a sunrise or it's just like cloudy as it is always, like जब से हम आए यहाँ पे। Actually, that's true. आज ऐसे weather में तो वो दिखा रहा है। Partly cloudy. पर वो partly हमारे time पे हो जाए या नहीं पता नहीं। गाइस हम लेवल 124 पे, मेरे तो बैग मेरे हाथ से उड़ने वाला था, इतनी तेज हवा है, सुकृति तो एस्की वो बन गई है। ठंड में से सो कोल्ड स्टन। कोई लिहाज नहीं करा शूटिंग करने में कहीं पे भी, और इसका प्रमाण ये है कि वो बुर्ज खलीफा पे आंटी की चुन्नी और बिंदिया लगा के खड़ी है। जस्ट वॉन्टेड टू शो यू दिस व्यू बिकॉज आज फाइनली सनलाइट आई है एंड इट लुक्स स्टनिंग। ओके गाइस, तो हो गए हमारे बुर्ज खलीफा दर्शन कंप्लीट एंड हमने कैफे में से ले लिए कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट विच इज़ बेसिकली 1 क्रोसॉन कॉफ़ी, बिकॉज क्रोसॉन वाज द ओनली वेजिटेरियन ऑप्शन, दैट टू नॉट एगलेस, मतलब इट वाज नॉट एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री, वी पेड फॉर इट सो वी नाउ रिडीम्ड इट, कोई और ऑप्शन था नहीं, बट द कॉफ़ी इज रियली नाइस, आई एम हैविंग द कैरामेल, सुबह बुर्ज खलीफा होने के बाद 2 घंटे नींद में ऑपरेट करते हुए ये एक प्राणी। हाउ आर यू फीलिंग? पानी में मज की तरह बैठ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। पानी में मज की तरह बैठ के गाइस, मैं तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ सुकृति को कि मुझे जुमेरा बीच ले जाए, अब वो ले जाती है नहीं वो क्यों। मैं कौन हूँ? टूर गाइड? तुम हमारी करता धरता हमारे ग्रुप की कॉन्सियर्ज, लीडर और डिस्ट्रैक्टर, सब तुम ही तो हो। ऐसे जगह जगह जाके रुक जाती 5-5 मिनट के लिए, एक एक वीडियो बनाती हुई, रील बनाती हुई 18-18 मिनट रुक जाती किसी भी जगह, इट्स सो रैंडम। और बस हम लोग आगे पहुंच गए होते हैं, वहीं हिल ही नहीं होती लड़की, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके साथ कोई है या नहीं है। ऐसा भी नहीं है गाइस,
Liza Minnelli, live. And these are two stunners ready for an event जिसके लिए हम यहाँ आए हैं इतना खर्चा We are going for a cricket match. We are going for a T20 series. Yeah. And I think it's gonna be fun because I'm not a very cricket person, but I'm really, really looking forward to it. And yeah, थोड़ी सी धूप निकली हुई है. I'm looking forward to that as well. भाई सुकृति प्राप्ति ready नहीं है लेकिन. Guys, हमको बोला था 4:30 बजे radio के नीचे मिलना और 5:02 हो रहे हैं और हम 5:02 हो रहे हैं. Yes. Exactly 5 बज रहे हैं. I don't like this rebellion. No rebellion, it's just like reality. Just shut up, gang. Reality is what I tell you it is. Anyway, so sorry, mere 2 minute ke time distance ke liye. Yes, time difference ke liye. This girl just can't catch a break. Anyway, so this is what we are doing. Just straightening my hair. Baby straightener ke saath. Mega project liya maine. Baba hair with baby. Mega project. Imagine building new Dubai on Gurgaon funds. I didn't get the joke. Okay, never mind. Did you guys get it? Comment se batana. Hi friends, I'm the cool dude from Delhi, and these are not people with him. बहुत ही सुंदर बाल है तेरे, बहुत ही सुंदर स्ट्रेटनर है तेरा, और मैं बस पछताया कि मैंने हेल्प करने के ट्राई करा. बट हम पहुंच चुके हैं स्टेडियम. हम निकले थे करीब 2.5 घंटे पहले अपने रूम से, और हमने आधे घंटे का रास्ता तय कर लिया है. 2.5 घंटे में हम पहुंच चुके हैं. यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं. अभी पता नहीं मैच शुरू शायद हो चुका है मैच शुरू. आई एम ग्लैड हमारे आने से पहले ही माहौल सेट हो चुका होगा. आंटी जी सोना व्हाट बच्ची मेरा स्टाइल है ज्यादा आप मैं करें ऐसे ठीक है. तो गाइस दिस इज द रीजन दैट वी केम टू दुबई टू वॉच दिस मैच एंड यू नो दिस बिकेम द ब्लेसिंग दैट वी कुड ट्रैवल हियर एंड अटेंड दिस मैच. आई मीन बी हियर एंजॉय हैव माय फर्स्ट international trip. I still cannot believe. I'm sorry. I still cannot believe. This is so cool. So Sukriti, is this your first match in stadium? No, I watched an IPL match also in the stadium. Okay. So I was gonna ask you how are you feeling first time, but that's the end of the conversation, I guess. I'm gonna ask you again. Reshoot. So Karan, is this your first match in the stadium? It's my first match. Oh my god. I'm not big on cricket or anything, but when I'm watching this here from here, I'm actually invested and interested. मुझे मजे आ रहे हैं. बहुत मजे आ रहे हैं. हाँ. Then 5-6. You may jo patan, meri jaan mehfil hi ruk jaaye, de de jo zubaan. Uski. Airport jaane, airport jaane. Aise mar mit jaaye. Badal pe paav hai, ya chhota gaon hai. अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है. ओ, 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 सब देख रहे हैं गाइस. रात के 1 बज रहे हैं और बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने हमें तो लूट लिया मिलके उस वालों ने बड़ा ही तंग किया अब तो इन सवाल भाई नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार पे चरम रंग का देखा दुनिया वालों ने ढोड़ा
गाइस ये आप शादी पार्टी के ऑर्डर भी दे सकते हैं. विल डू दिस एट 2 लाख रुपीस प्लस जीएसटी पर नाइट. नो टचिंग. मुझे ना ऐसा लग रहा था घर पे और रास्ते में कि जो रेस्टोरेंट हम जा रहे हैं इसमें यहाँ एक आध लोग तो बैठे हों कम से कम, और मतलब ऐसे ऑकवर्ड ना हो जाए कि हम अकेले ही ऐसे बैठे हुए हैं. पर यहाँ पे वेटिंग है गाइस. बड़ी अच्छी जगह है आई थिंक. सुकृति कैसा लग रहा है फिर फाइनली देसी चाइनीज खा के इन दुबई? लव इट. गाइज हमें लेने फिर से टेस्ला आई है. काफ़ी अमीर फील हो रहा है. कैब का बिल देख के काफ़ी गरीब फील होता है बट ऐसे मज़े आ रहे हैं. हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग. टुडे इज आवर लास्ट डे इन दुबई एंड वी आर कोऑर्डिनेटेड इन पिंक विदाउट डिस्कसिंग, सो दैट्स नाइस. तो सुकृति, हमारे ब्लॉग और हमारे दर्शकों को बताइए कि अभी हम कहाँ जा रहे हैं. बीच डे इज बीच डे टुडे. यस, और बीच डे इज बीच डे टुडे, ऐसा कुछ बोला है मैम ने. एंड अब हम द थिंग इज ऑलरेडी 12:15 हो गए हैं, हमारा 2 बजे का चेकआउट है और सुकृति को जहाँ ले जाओ उसको 3-4 घंटे चाहिए सिर्फ शूटिंग करने के लिए वीडियोस की और फिर चीज़ें एक्सपीरियंस करना तो अलग. तो हमें नहीं पता हाउ विल वी मेक इट बैक इन टाइम, बट अब हम ऐसे लिविंग ऑन द एज निकल गए हैं कि एक बीच तो कम से कम हम मत्था टेक लें. राइट, एक्साइटेड. मैं इतना पूरा यॉट बुक करा था, एडे पैसे नहीं है कि, बट ब्लू कलर का पानी वेख के मेरा तो दिल खुश जिया हो गया है. कहाँ से जाना है? चलो यार मजे आ गए. सुकृति मेरे आज तक सिर्फ गोवा की बीच देखी है 2 बार और मुंबई की 1 बार, बट आई डोंट वांट काउंट दैट बिकॉज उस दिन बहुत ही गंद मचा हुआ था वहाँ. अरे यार हैट क्यों नहीं लाए? ओ यार तुम्हारे पास तो मैचिंग हैट थी इसकी, पिंक. ओ शिट हो गया. ओह नो. यहाँ पे वैसे मुझे भी स्विम सूट लाना चाहिए था. सब लोग यहाँ पे तैराकी कर रहे हैं, मुझे जेलसियाँ हो रही हैं देख के. बट दिस इज सो नाइस. ये पीछे सन कितना अच्छा आ रहा है. हाँ फिर सुकृति कैसा लग रहा है यहाँ आके? मुझे लग रहा है कि मैं अपने बारे में जानने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ. Oh, like contemplating myself, like मैं हूँ कौन, मैं हूँ क्या, मैं क्या है मेरा पर्पस. बीच में जाके सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं. तुम लड़की हो या इम्तियाज अली की कोई कैरेक्टर? आई रे खुशी 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 इम्तियाज अली ने बनाई. तुमने कभी बीच में अंदर जाके सुस करी है? पता नहीं, जो मैं 2013 में गोवा गया था, जब मैं 2013 में गोवा गया था तो हो सकता है कभी करी हो एक आध बार, बट आई डोंट थिंक करी होगी. बस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तब मैं बच्चा था तो हो सकता है, बट आई स्टिल डोंट थिंक मैंने करी थी. यहाँ बहुत सारे लोगों ने की होगी आज. आई हाय सुकृति, व्हाई डू यू हैव टू पुट दैट इमेज इन माय हेड. ना बच्चे सैंड कासल बना रहे हैं और मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी बनाऊं, बट ना हमारे पास वो शवल्स है, मतलब वो सब कुछ बड़ी प्रॉपर सी शवल्स बकेट छोटी छोटी लेके आई हैं. हम तो घर से डिस्पोजेबल भी नहीं लेके आए चम्मच. मैं ये स्क्रब कर रही हूं गाइस, द बेस्ट सी स्क्रब सॉल्ट्स. मेरे टांगों पे कटकुट पड़ गए हैं तो मैं ऐसे पंगे नहीं करना चाहता, लेना चाहता यार. मेरे को मन कर रहा है, हम ऐसे निक्कर नुक्कर क्यों नहीं पहन गया, मेरा बीच में जाने का मन कर रहा है एकदम पानी के सब लोग की तरह. और सामने वाला घर हम खरीद लेंगे बड़ा सा बंगलो. क्या बोलती सुकृति? बाय बाय बीच, लव यू. Guys, after an extremely long trip and a very expensive cab, we are here at Alsif trying to find Starbucks, but it's a beautiful place. Oh, yeah, चलो गाइस ये जगह देख लो कितनी सुंदर लग रही है.
सिर्फ सुकृति की वजह से हम यहाँ पे आए हैं. अब स्टारबक्स ही जाना, फोटो खींचनी है इसको. बट सो नाइस यार, कितना सुंदर लग रहा है. अलग ही नहीं लग रहा है एरिया. कैब इतनी महंगी ना हुई होती तो मुझे बुरा ना लगता आने का. वी हैव अराइव्ड. सुकृति घर से बोल के आई थी इसको यहाँ. एंड हम फाइनली आ गए स्टारबक्स. आई विल सी इट सो प्रीटी. भाई क्या जगह है यार, इतनी सुंदर. उफ, फाइनली ये है वो स्टारबक्स गाइस जिसके लिए हमने इतनी चाय की टपरी जैसा स्टारबक्स के लिए हमने इतनी मेहनत करी और यहाँ आए हैं. कॉफी आई नहीं रही है मैडम की इतनी देर से. इनका नाम है सुकृति विद अ वाई. वाई? हाँ, लास्ट में बिल में वाई लिखा है. तो हम वेट कर रहे हैं बस इनकी कॉफी की. और अंदर से बिल्कुल नॉर्मल स्टारबक्स जैसा ही बना है, पता नहीं बाहर का ही हवा है सर. कच्ची दीवारों का हमारा काम यहाँ हो गया है. सुकृति ने कॉफी तो पी ली जो ओके था, पर जो मेन काम के लिए हम आए थे वो था रील बनाना. वो इसने ले लिए 3 takes में किसी स्ट्रेंजर को तंग करके, और उनको भी कह रही है 1/4 take ले लो. वो काइंड स्ट्रेंजर भी अपनी पेशेंस लूज कर गई बेचारी. और या शी गॉट हर रील बट शी स्टिल नॉट सेटिस्फाइड. बट अब हम समझ नहीं आ रहा क्या करें. सुबह से कुछ खाया नहीं है, 4 बज गए हैं. मेरी मम्मी कह रही है खजूर लेके आई, खजूर लेके. एक जगह मेरे को खजूर नहीं दिखे अभी तक. मैं यही चौकड़ी. अगर इसने मेरे को बोला 1 take और लेने के लिए वापस जाके, मैं यही चौकड़ी मार के मैं बैठ गया. मैं नहीं हिल रहा, मैं बैठ गया. मैं जा ही नहीं, तुम जाओ बाय. कैब बुलाओ इधर ही. सुकृति अब मेरे से नाराज हो गई है कि मैं 1/2 kilometer वापस जाके एक और शॉट नहीं ले रहा. वहाँ नहीं जाना, यही करना है. क्या करना है? बस एक खींचते हुए ले लो ना, बस एक शॉट लेना है. कौन लेगा? चलो पकड़ो किसी को. मैं पकड़ लूंगी तो ले लोगे? लेना ही पड़ेगा, मेरे पास ऑप्शन है कोई? इसको हर बंदा इसकी रील बनाने को रेडी हो जाता. मैं तो परेशान हो चुका हूँ इस लड़की से. चलो अब ब्रीफ दो कैमरा पे क्या करना है. अरे यार तुमको मेरे को बस खींचते हुए लाना है ऐसे. ओके. तुम 5 take के बाद भी हमने ये टेक ले लिया गाइस. सब मैं इसको ना धक्का दे के ला रहा था वीडियो में, क्योंकि इसकी वीडियो ही ऐसी है. और सबको लग रहा था देखने वालों को कि मैं इसको प्रताड़ित कर रहा हूँ. पर उसके बावजूद ये लड़की नाराज है कि इसको मनचाही जगह पे मनचाहा टेक ने. सुकृति आई जस्ट वांना से तुम एक वीडियोग्राफर रख लो साथ में. जिसका फुल टाइम जॉब ही हो. फुल टाइम मतलब 8-10 hours नहीं, 25 घंटे दिन में सिर्फ रील ही बनाए वो. 1.1x फेयर आ रहा है हर बार, यही आता है हमारी किस्मत में. तो आज मैंने एक ही आउटफिट में इतनी सुंदर सेल्फियां ले ली हैं, बट आई एम जस्ट सैड कि एक ही आउटफिट है. कुड हैव बीन डिफरेंट आल्सो. ऑन अ सेपरेट नोट, वी आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, व्हिच इज व्हाई वी आर स्टैंडिंग लाइक 2 meters अपार्ट, व्हिच हैज इंक्रीज्ड टू व्हाटएवर. मेरी तरफ मत देख. रील का शॉट नहीं आया गाइस. इसका फोन खोल के देखो, रोप आंखों से ना खून के आंसू आ जाएंगे. साउंड रॉन्ग क्या था इसमें? ये कैसे कर्मों का फल है? निकल ये बस बंदे ने मेरे को वो किया क्या? कैब्स बहुत महंगी यहाँ पे. कैब्स बेशुमार महंगी कैब्स हैं. हम अभी 3500 की कैब में आए हैं यहाँ पे. बाय बाय ब्यूटीफुल अलसी, वी विल मिस यू एंड सी यू सून. नेक्स्ट टाइम नो रील्स हियर फॉर सुकृति. नोबडी इज टॉकिंग टू यू. आई डोंट नो हु दिस पर्सन इज. शी जस्ट पेइंग फॉर माय कैब राइड, अदरवाइज आई डोंट नो हर. लव द ईयर. अच्छा आज हम बीच भी तो के आए हैं. आज हमने काफी कुछ कर लिया ना. बीच भी चले गए हम, यहाँ भी हुआ है. नींद भी पूरी हो गई. हाँ एक्चुअली. बट वही है ना कि सब कुछ कर लो, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही. बनी आज खाना नहीं मिला हमें, कुछ ना कुछ तो छूटेगा, इसलिए हम भूखे हैं अभी तक. जहाँ है
वहीं के मजे लेते हैं। खाली पेट लाइफ रॉक्स। हाय फ्रेंड्स, हो चुकी है इवनिंग। वी हैव चेक्ड आउट फाइनली एंड सुकृति, मैं और अनन्या जो कल की बात कल दिखी नहीं पता नहीं, बट आज वो आए हमारे साथ बैक एंड वी हैव एक्सेप्टेड हर बैक एज अ ग्रुप मेंबर बिकॉज वी आर वेरी काइंड एंड नाउ वी आर गोइंग टू हैव लंच और डिनर बिकॉज दिस इज लाइक 6 बजने वाले हैं एंड फाइनली वी माइट गेट सम इंडियन फूड। लेट्स हब। तो दोस्तों, बहुत ढूंढने के बाद वी हैव अराइव्ड एट दिस रेस्टोरेंट कॉल्ड मुंबई मालाबार इन बरदुबई। इसी बहाने हमने बरदुबई भी देख लिया और आज मैंने पहली बार अपनी लाइफ में कहीं का होटल ब्रेकफास्ट मिस किया है एंड आई थॉट आई बी रियली रियली पिस्ड व्हेन दिस एवर हैपेंड, बट आई ऑनेस्टली डोंट केयर इनफ बिकॉज आई एम सॉरी आई डोंट मिस द पोहा विद मूंगी की दाल इन द मॉर्निंग अर्ली अर्ली। ठीक नहीं हुआ ये, बस बाकी सब क्यूट था। ये पेप्सी वाला फ्रिज, द इंटीरियर्स, एवरीथिंग, दिस प्लास्टिक की पाइप हैज ब्रॉट मी बैक टू 2008 एंड 2010 फैमिली डिनर्स इन बचपन एंड आई मिस इट सो मच। आई डोंट नो व्हाई आई एम शोइंग अनन्या'स फेस व्हाइल सेइंग दैट, बट ओके, आई मिस दैट टाइम सो मच। दिस इज वेरी नॉस्टैल्जिक। इंडियन खाना पहली बार, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है तुमको? बहुत अच्छा। अब बस मैं व्लॉग नहीं कर रहा क्योंकि अब हम खाने वाले हैं गाइस, बाय थोड़ी देर के लिए। अरे लाइट शो, एक बार पठान की शक्ल दिखा दो इस पे प्लीज प्लीज, शाहरुख के फेस। सुकृति हेयर स्टाइल तो बहुत ही बढ़िया है, मेरे को भी कराना है। भाई कहाँ तक लेके जा रही है? बस बस अरे 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 उसको आई थिंक दर्द हो रही है, शक्ल देख के तो लग रहा है उसकी। ओह सॉरी बेब, नो नो, इट वाज ग्रेट। बस कुछ खास नहीं, हम 35 मिनट से इमिग्रेशन की लाइन में लगे हुए हैं और लेट्स होप ये काम जल्दी हो जाए, फिर हम अपने बैग उठाए और घर की तरफ बढ़ चलें। हम बस खड़े हैं गाइस इधर सामान लेके सबका और थके पड़े हैं, मरे पड़े हैं और सुकृति अभी भी शॉपिंग कर रही है। अगर तुमको वहाँ एक पिंक कलर की जैकेट दिखे तो वो सुकृति है। सुबह 6:30-7 भी कितनी हिम्मत है इसमें। वैसे बैंगनी लिपस्टिक ले रही है, मुझे बैंगन चाहिए सब्जी बनाने के लिए। हाँ, आलू बैंगन की सब्जी भरता बहुत अच्छा बनता है उसका। भरता अपॉइंटमेंट। ये आधे घंटे बाद आइए, अपना सामान लेके नहीं आए क्योंकि यहाँ से चीजें लेके वापस जा रही है वहाँ पे। अरे क्योंकि वो बिलिंग में बहुत देर लगाई थी तो मैंने कहा ले आती हूँ। आई नॉट एवरी डे यू कम टू ड्यूटी फ्री, सो ओके बाय बाय। चलो हम साथ चल रहे हैं।